अस्सलाम दोस्तों, यासीन निज़ामी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे करेंसी फ्लक्चुएशन के ऊपर कि करेंसी फ्लक्चुएशन किस तरह से होती है और उसके पीछे क्या वजूहत होती हैं। रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो US डॉलर के अगेंस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, 174 के ऊपर पहुँच गया है। और ये सारा कुछ पिछले 4 सालों के अंदर हुआ है जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, लेकिन लोग PTI गवर्नमेंट को डायरेक्ट इसका इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई और वजूहत भी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले दिनों उसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके इसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं जिसमें जो मेन वजूहत हैं पाकिस्तानी रुपये की डिवेल्यूशन की। लेकिन आज मैंने जो बात करनी है वो है करेंसी डिवेल्यूशन इन जनरल, ठीक है। उसके लिए जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि जो ग्लोबल करेंसी का स्टेटस US डॉलर को मिला हुआ है उसका एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ठीक है। तो US डॉलर जब ग्लोबल करेंसी के तौर पे यूज़ होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी ट्रेड होती है ग्लोबली, चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग हो, चाहे वो बॉन्ड्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो इम्पोर्ट कर रहे हैं आप स्टफ़ या इवन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सब में डॉलर जो है एज ए करेंसी यूज़ होता है, ठीक है। आप जब इम्पोर्ट करते हैं कोई चीज़ बाहर से तो आप उसकी जो प्राइस है वो डॉलर के अंदर सेटल करते हैं। यही वजह है कि इम्पोर्ट को जो है वो अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप इम्पोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स तो आप डॉलर जो है अपने मुल्क से भेज रहे होते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट में इसका उल्टा होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं स्टफ़ तो आप डॉलर अपने मुल्क में लेकर आता है, क्योंकि हर चीज़ की जो प्राइस सेटलमेंट है, जो कॉस्ट सेटलमेंट है, वो डॉलर के अंदर होती है, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है करेंसी फ्लक्चुएशन के ऊपर। तो जब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है मार्केट के अंदर, तो इसके पीछे दो वजूहत होती हैं। अगर आपने वाकई में ये जानना है कि डॉलर वाकई में अपनी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप एक इंडेक्स है DXY, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो इंडेक्स है DXY उसमें डॉलर की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है अगेंस्ट बकेट ऑफ डिफरेंट करेंसी, जिसमें चाइनीज़ यूआन शामिल है, जैपनीज़ येन शामिल है, यूरो शामिल है और ब्रिटिश पाउंड शामिल है। तो उस DXY इंडेक्स के ऊपर हम ये देखते हैं कि डॉलर अगेंस्ट दीज बकेट ऑफ करेंसीज। तो दो वजूहत होती हैं डॉलर की स्ट्रेंथ होने की। नंबर वन, एक तो डॉलर ख़ुद अपनी स्ट्रेंथ पकड़ रहा हो इकॉनमी की वजह से। अगर US इकॉनमी अच्छी परफॉर्म कर रही है या ग्लोबल इकॉनमी अच्छी परफॉर्म कर रही है एज अ होल, तो ऑफकोर्स डॉलर की परफॉर्मेंस उससे इम्पेक्ट होती है, तो डॉलर ख़ुद ब खुद स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये वजह है कि डॉलर ख़ुद एज अ करेंसी स्ट्रांग हो रहा हो इकॉनमिक परफॉर्मेंस की वजह से US और आउटसाइड US। दूसरी वजह ये होती है कि अगर उसके अगेंस्ट दूसरी करेंसीज हैं वो अगर वीक हो रही हों इंटरनेशनल मार्केट में, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ करेंसी जो है चाइनीज़ युआन, वो अभी रिसेंटली काफ़ी अपनी डिवेल्यूएशन पे आया है। उसकी वजह यह है कि ऑफकोर्स जो चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है रियल इस्टेट की वजह से, और जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, गैस प्राइसेस बढ़ी हैं, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट इम्पैक्ट हुआ है, तो चाइनीज़ इकॉनमी इस पर काफ़ी उसकी वजह से इम्पैक्ट हुई है। तो जब दूसरी करेंसीज वीक होती हैं तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली US डॉलर स्ट्रांग हो जाता है मार्केट के अंदर। तो दो वजह होती हैं स्ट्रांग होने की US डॉलर की, एक तो ख़ुद उसकी अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और दूसरा ये कि अगर उसके अगेंस्ट जो करेंसीज हैं वो डीवैल्यू हो रही हों या वो वीक हो रही हों इंटरनेशनल मार्केट में। अब जो इस वक्त इकोनॉमिक हालात हैं मुल्क में या पूरी ग्लोबली दुनिया के अंदर, वो तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से डॉलर को इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। US इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिक लो पर है, चाइनीज़ इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, जितनी भी एशियन इकॉनमीज़ हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो ख़ुद स्ट्रगल कर रही हैं। तो ये साइंस तो ऐसी नहीं है जिस पे हम ये सोचें कि भाई डॉलर उसकी वजह से स्ट्रांग हो रहा है। तो डॉलर के स्ट्रांग होने की इस वक्त मेरे हिसाब से मेन वजह है कि जो दूसरी करेंसीज है वो वीक हो रही हैं, वो अल्टीमेटली डॉलर को पुश कर रही हैं मार्केट के अंदर। और दूसरी वजह ये है कि ये जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसी ट्रेड होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है करेंसी को मूव करने का। ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना इकोनॉमिक फैक्टर्स का होता है, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करेंसी को आगे या पीछे मूव करती है, ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो करेंसी के अंदर रोज़ाना ट्रेड होते हैं, तो जो ट्रेडिंग
फॉरेक्स मार्केट में होती है, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है। तो मेरे नज़दीक जो डॉलर की रीसेंट रैली हुई है वो या तो दो वजह से होगी, या तो उसके अगेंस्ट दूसरी करेंसी से वो वीक हो गई है, या फिर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का इम्पैक्ट है जो कि शॉर्ट टर्म होता है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी कि जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे पाकिस्तान है, जैसे तुर्की है, जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, या एशियन इकॉनमीज है ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, उन पे इनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इन कंट्रीज़ ने एक्सटर्नल डेट लिया हुआ है तो वो डेट और एक्सपेंसिव हो जाता है, यानी कि उन कंट्रीज़ को अब मोर अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है टू पे ऑफ द डेट, बिकॉज जो डेट है वो डिनोमिनेटेड है डॉलर के अंदर, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं और आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो यानी कि अगर आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है डॉलर के स्ट्रेंथ होने की वजह से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क में और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो डॉलर अगर एक्सपेंसिव हो जाता है तो यू हैव टू पे मोर टू इम्पोर्ट थिंग्स, राइट। तो इसका भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आज की न्यूज़ है कि टर्किश लीरा जो है वो हिस्टोरिक लो लेवल पर चले गया अगेंस्ट डॉलर, अराउंड $13 समथिंग। तो उसकी खैर और वजूहत भी हैं जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये समझ लें कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करेंसी फ्लक्चुएट होती है, इनकी क्या वजूहत होती है और उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं इमर्जिंग मार्केट के ऊपर, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इंडिया और जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं। तो रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान रुपी काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यू हो गया है, उसकी और भी वजूहत है, लेकिन एक वजह सिर्फ ये भी है मेन वजह कि डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लोगों को शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स नीचे पोस्ट कीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है इस वीडियो में, तो प्लीज़ अपना कमेंट नीचे ड्रॉप कीजिए और मैं उनको पढ़ के आपको आंसर करूँगा। ठीक है, आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।